वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं हूँ डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है टाटा पंच और ये है इसका बेस मॉडल प्योर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बजट 20,000 रुपीज का है और इस बजट के अंदर आप अपने पंच के बेस मॉडल प्योर के अंदर मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो और बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इसकी फुलफिल करना चाहते हो, तो कौन कौन सी एक्सेसरीज है जो कि आप इस कार के अंदर लगवा सकते हो, तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे कुछ जो है वो बातें करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर जो फिटमेंट है वो स्टार्ट भी हो चुका है, सीटें जो है वो निकल चुकी हैं, सीट कवर लग रहे हैं शॉप के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर वाली सीट बची हुई है, म्यूजिक सिस्टम जो है इस वाली कार के अंदर नहीं आता है, बेस मॉडल प्योर है तो म्यूजिक सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हो उसका अपग्रेड जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आप इसका देख सकते हो फिटमेंट स्टार्ट हो चुका है, कपलर के साथ जो है सारा कुछ आपको फिटमेंट इसका देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 232 की स्पेसिफिकेशन के साथ अपना ये 9 इंच का जो स्क्रीन है वो आपको देखने को मिलने वाली है और फ्रेम जो है इसका रहेगा अपना पियानो ब्लैक फिनिश वाला, वो भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। स्पीकर लग चुके हैं दरवाजों के अंदर। यहाँ पे जो कंपनी यूज करी गई है वो आज मिंडा के कोएक्सियल स्पीकर जो है वो इंस्टॉल करे गए हैं, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। तो मिंडा की आपको प्रॉपर ब्रांडिंग मिल जाएगी कंप्लीट जो है, रिंग कपलर वगैरह के साथ जो है इसका प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये अपने फ्रंट डोर की बात हो चुकी है, बात कर लेते हैं आप रियर डोर की, तो रियर डोर के अंदर भी सेम आपको जो सेटअप है वो देखने को मिलने वाला है। रियर डोर्स के अंदर भी अपने मिंडा के ही कोएक्सियल स्पीकर जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। बात कर लेते हैं एक्सटीरियर एक्सेसरीज की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अपनी कंप्लीट जो है व्हाइट कलर की कार है और इसकी जो रूफ है उसके ऊपर भी आपको जो टेपिंग का इंस्टॉलेशन है वो देखने को मिलने वाला है। कंप्लीट जो इसका ए पिलर है उसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक टेपिंग है साइड वाले पोर्शन पे है और रूफ के ऊपर जो टेपिंग है वो कंप्लीट करी गई है। व्हाइट कलर की भी गाड़ी है जो कि पंच ही रहने वाली है और वो भी बेस मॉडल है, तो वहाँ पे आपकी रूफ किस तरीके की और यहाँ पे किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। जब तक इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में काम चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सटीरियर की कुछ एक्सेसरीज जो कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलते हैं बेस मॉडल प्योर के अंदर, तो फॉग लैंप का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है और आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो मिंडा वाले अपने जो फॉग लैंप्स हैं वो यहाँ पे आपको इसका फिटमेंट देखने को मिल जाता है कंप्लीट रियर वगैरह के साथ जो है यहाँ पे इसका फिटमेंट किया गया है और कंप्लीट यहाँ पे आप चेक कर लीजिए किस तरीके का है। और अपने येलो बल्ब के साथ है, आप चाहें तो इसके अंदर जो है एलईडी वगैरह के बल्ब का भी इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए। बाकी अदर कोई चेंजेस जो है वो फ्रंट प्रोफाइल से नहीं किए गए हैं, एक हॉर्न के अंदर अपडेट किया गया है वो भी आपको मैं सुना देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको सिंगल टोन मिलता है, यहाँ पे आप सुनिएगा, तो डुअल टोन वाला अपना जो हॉर्न है इसके अंदर अपडेट किया गया है। साथ ही दोस्तों क्योंकि अब ये बेस मॉडल प्योर है तो इसके अंदर आपको जो है ना सेंटर डोर लॉकिंग नहीं मिलती, तो यहाँ पे अपनी सेंटर डोर लॉकिंग इंस्टॉल करी गई है, जिसके साथ अपनी जो फिलिप की का कन्वर्जन है वो भी किया गया है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, कुछ तरीके की अपनी जो फिलिप की है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। आरडी कंपनी की जो सेंटर डोर लॉकिंग है वो इंस्टॉल करी गई है, चाबी पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो टाटा का लोगो है। और इसके साथ आपको आरडी कंपनी की जो सेंटर डोर लॉकिंग है उसमें आपको 3 साल की डोर स्टेप वारंटी जो है वो भी मिल जाती है। और फिलिप फंक्शन कुछ तरीके से इसका वर्क करता है, 3 बटन इसके आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको एक अनलॉक का है, यहाँ पे लॉक का है और सेंटर वाला जो बटन है वो आप साइलेंट लॉक के लिए यूज कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो इंस्टॉल करी गई हैं। सबसे ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ जो इसकी अपनी बॉडी है वो डुअल टोन में कन्वर्ट करी गई है। ये कंप्लीट जो व्हाइट कलर की अपनी गाड़ी थी इसके ऊपर डुअल टोन का जो फिनिश है वो किया गया है और एक्सटीरियर से लुक जो है वो काफी हद तक जो है वो इनहेंस भी हो चुका है। दूसरी कलर भी खड़ी है अपने पास, दूसरी अपनी प्योर व्हाइट है, तो ये भी अपने जो है अगर कोई भाई चाहता है तो टेपिंग करवा सकता है, कुछ तरीके का इसका लुक जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो एंटीना का इंस्टॉलेशन किया गया है, बेस मॉडल के अंदर आपको कोई एंटीना नहीं मिलता, तो सेम जिस तरीके से आपको एडवेंचर मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है एंटीना, सेम एंटीना यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके आगे आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो रूफ रेल्स हैं वो भी इंस्टॉल करी गई हैं और ये भी अपनी ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ है। फिटिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको जो इसकी फिटमेंट है वो देखने को मिल जाती है, कहीं पर भी कोई भी गैप वगैरह जो है वो आपको इसके फिटमेंट के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला। एक बार ये परफेक्टली यहाँ पे बैठ जाएगी तो उसको पकड़ के आप पूरी गाड़ी भी हिला दोगे तब भी ये उखड़ने वाली नहीं है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपने जो डोर वाइजर्स हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं, चेक कर सकते हो आपने, ये डोर वाइजर लगाए गए हैं नॉन क्रोम लाइन वाले, यहाँ पे आपको प्रॉपर पंच की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है कुछ तरीके से कंप्लीट। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्रोम लाइन के भी ऑप्शन है और नॉन क्रोम लाइन के भी ऑप्शन है, जो सा भी आप चाहते हैं अपने लिए सुटेबल हो वो आप लगवा सकते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर इसका जो है वो आता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ, सेम इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। इसके ऊपर जो है वो क्रोम का इंसर्ट आप यहाँ पर चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको ओवरऑल जो व्यू है वो दे रहा है। इसके ऊपर भी ग्लॉसी ब्लैक का अपने पास ऑप्शन है, तो जो सा भी चाहे वो आप लगवा सकते हैं, ये बिफोर और आफ्टर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपने जो आप चेक कर सकते हो लोअर गार्निश का इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे किया गया है, जो कि 6 पीस वाली अपनी रहने वाली है। 6 पीस यानी कि 1, 2, 3 पीस आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगी और 3 पीस जो है उस तरफ भी इसका इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाता है। और साइड से यहाँ पे आप देखोगे तो इसका लुक काफी अच्छा आता है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। इस वाली गाड़ी के अंदर इसका फिटमेंट नहीं हुआ है, तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी डोर हैंडल्स भी आपके जो है ये भी अपने जो है ब्लैक कलर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर भी अपना क्रोम का जो इंसर्ट है वो इंस्टॉल किया गया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने फ्रंट डोर का। और रियर डोर का जो अपना हैंडल है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, उसकी गार्निश आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आ जाते हैं रियर प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आप कंप्लीट रियर का जो व्यू है इस कार का वो चेक कर सकते हो किस तरीके का लग रहा है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो इस पोला वाले पार्ट के ऊपर मैंने बता दिया है, ब्लैक टेपिंग आपको देखने को मिल जाती है, अलावा
इसके टेल लैम्प्स है दोस्तों, इसके ऊपर आपको यहाँ पर जो है इसके ऊपर भी क्रोम का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। इसके पास भी आपको ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी पियानो ब्लैक का जो इंसर्ट है वो लगवा सकते हैं। और बिफोर आफ्टर की बात कर लेते हैं तो ये अपना बिफोर है और आपके सामने ये आफ्टर है, दोनों एक फ्रेम में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है वो इसका देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अपना जो पार्किंग कैमरा है वो इंस्टॉल किया गया है, बंपर में छेद करके जो है ये लगाया गया है। इंटीरियर में लेकर चलता हूँ आपको, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का इसका जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो बाहर की एक्सेसरीज मैंने आपको दिखा दी है, एक बार आपको इंटीरियर एक्सेसरीज भी दिखाता हूँ कि इंटीरियर में क्या क्या चीजें जो है वो इंस्टॉल करी गई। बकेट वाली जो सीट कवर है उनका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी कंप्लीट जो है वो रैपिंग करी गई है और ये सिंगल टोन में ब्लैक कलर के अंदर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके की है। और यहाँ पे अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की आपको स्टिचिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, तो बिल्कुल प्रॉपर ओएम स्टाइल आपको यहाँ पे जो इसका फिटमेंट है वो देखने को मिल जाता है किस तरीके का है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये आप यहाँ पर व्यू ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अपनी सीट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपनी जो बर्फी पैटर्न डिजाइन जो अपने सीट कवर्स हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं, किस तरीके की फिटमेंट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट आपको ये देखने को मिल जाता है। सेंटर में लगा है एक आर्मरेस्ट जो कि मल्टीपर्पज वाला है, इसमें आपको स्लाइडिंग का फीचर मिल जाता है, नीचे तरफ आपको स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा पीछे की तरफ आपको इतना स्पेस दिया गया है कप होल्डर के लिए और यहाँ पे आप देखोगे तो एस्ट्रे वगैरह के लिए आपको जगह मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो हैंडबैग यूज करने में अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है इसको उठाकर आप पीछे भी कर सकते हो और अपना हैंडबैग बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो। रियर सीट की फिटिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए किस तरीके की आपको रियर सीट की जो फिटमेंट है वो देखने को मिल जाती है। की तरह ही आपको रियर का जो पैटर्न है वो भी देखने को मिल जाता है, काफी अच्छी फिटमेंट आपको जो है इसकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और नीचे की तरफ अपने लगे हैं 7D प्रीमियम वाले जो मैटिंग है वो कंप्लीट इसके फ्लोर के ऊपर करी गई है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये अपना रियर का पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये अपना को ड्राइवर वाला पोर्शन आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से है, और ये है अपना ड्राइवर साइड वाला पोर्शन कंप्लीट, ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है और कितना एरिया जो है वो कवर कर रहा है। अगर आप चाहें तो फ्लोरिंग भी करवा सकते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये सारे जो पोर्शन छूट गए हैं तो ये सारा पोर्शन भी जो है वो फ्लोरिंग के नीचे आ जाता है, तो अपनी गाड़ी जो है कम्प्लीटली लेमिनेटेड टाइप की हो जाती है। बात कर लेते हैं अगर म्यूजिक सिस्टम की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना म्यूजिक सिस्टम का जो फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। 9 इंच की स्क्रीन के साथ अपना जो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पे प्रॉपरली लग चुका है और फ्रेम भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके की फिटमेंट के साथ है। ग्लॉसी फ्रेम का यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया है और इसकी फिटिंग भी आपको बिल्कुल प्रॉपर ही देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपके सामने व्यू है और कहीं पर भी आपको पैनल गैप चाहे इसके फ्रंट प्रोफाइल में हो, चाहे इसके साइड प्रोफाइल में या फिर रियर वाले पोर्शन पर, कहीं पर भी आपको इसके अंदर पैनल गैप जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला। अच्छी वाली जो फिटमेंट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप चेक कर चुके हो इसकी फिटमेंट, बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन वगैरह की। तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था कि अपना ये एंड्रॉइड सिस्टम है 232 की स्पेसिफिकेशन के साथ, टच का रिस्पांस काफी क्विक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए टच का रिस्पांस आपको काफी जो क्विक है वो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। कई सारी एप्लीकेशन जो है इसके अंदर आपको इनबिल्ट मिल जाती है, जैसे कि क्रोम ब्राउजर है, यहाँ पे आप आओगे तो गूगल मैप है यहाँ पे दिया गया है, नेटफ्लिक्स है, अपना प्ले स्टोर मिल जाता है, इस तरीके से यूट्यूब वगैरह का सारा कुछ सपोर्ट जो है वो आपको साथ देखने को मिल जाता है। रियर व्यू कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है और इसका किस तरीके का आउटपुट रहने वाला है उसकी भी अगर हम बात कर लेते हैं, चेक कर सकते हो कैसा व्यू आपके सामने है। 9 इंच की स्क्रीन के साथ पिक्सल जो है बिल्कुल भी आपको फटते हुए नजर नहीं आएंगे और क्लियर विजिबिलिटी है और सेम अपनी जो विजिबिलिटी है वो नाइट के टाइम में भी आपको मिलने वाली है। और कई सारी वीडियोस के अंदर हमने नाइट का आउटपुट चेक करवाया हुआ है, अगर आपको नाइट का आउटपुट भी देखना है तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। पार्किंग बिल्कुल आराम से आप जो है गाड़ी की कर पाओगे, कोई भी आपको इसके अंदर इशू नहीं आने वाला। इस कार का सारा कुछ आपको मैंने एक्सेसरीज दिखा दी है, एक बार मिलते हैं इस कार के ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। रोहित गुजर नाम है मेरा। कहाँ से आ रहे हैं सर? लोनी गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आप आ रहे हो, तो कुछ वीडियो वगैरह देख करके आप यहाँ पे आए थे या कैसे? हाँ जी, हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी ये डेकोरम कार एक्सेसरीज के नाम से और हमें काफी अच्छा लगा देख के, हम डायरेक्ट ही आए हैं, हम किसी और के पास गए भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी एक्सेसरीज आपको अपनी गाड़ी के लिए चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे रेट में है और बहुत अच्छा लग रहा है, गाड़ी देख के खुशी हो रही है कि हाँ हमारी कैसी कैसी गाड़ी लेके आए थे, क्या हमने बना दिया। ठीक है, मतलब जो जो सामान लगा है उसकी फिनिशिंग फिटमेंट कैसी लगी आपको? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब कहीं पर कुछ कमी लगी हो? नहीं नहीं नहीं, सारा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 नंबर, पूरे नंबर। अच्छा, एक चीज पूछ जाए कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा, तो क्या बताना चाहोगे? भैया लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, भैया हैं जो दुकान के ओनर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। राजन भाई हैं वो बहुत अच्छे से बात हुई हैं और जो जितने भी काम करने वाले हैं सभी ने बहुत अच्छा काम किया। तो मतलब ऐसा? पहले हम 3-4 घंटे में गाड़ी को कुछ से कुछ बना दिया, मतलब पूरी गाड़ी का हुलिया एक तरीके से तो बदल चुका है। जी जी, हम घर से ही बहुत लेट आए थे और हमें पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी काम हो जाएगा। चलिए सर, अब पेमेंट कितना कर दिया आपने? भैया पेमेंट करिए 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, तो ये अपना वर्थ है सारी पेमेंट? हाँ जी। ठीक है सर, दोबारा से किसी को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं, हम तो किसी को भेजेंगे डायरेक्ट, भैया का नंबर देके बात करा के डायरेक्ट भेज देंगे।
चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और आप जो दूर से आए हो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नई नई गाड़ी ली उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी थैंक यू। तो दोस्तों ये सारी कुछ ऐसी सीरीज थी जो कि इस कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है, और बजट की मैंने बात करी कि 40,000 रुपीज के बजट में आपको सारा कुछ जो इंस्टॉलेशन है वो देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर सारा कुछ कवर कर दिया है बेसिक रिक्वायरमेंट वाला, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, सीट कवर अपना, यहाँ पे आप देखोगे तो फॉग लाइट लग चुकी है, इसी तरीके से अपना सारा कुछ जो चीजें हैं, डुअल टोन रूफ भी हो चुकी है अपने, जो कि गाड़ी को लुक वाइज काफी अच्छा बनाते हैं, व्हील कवर हो जाते हैं, और अपने यहाँ पे मिरर के ऊपर आप क्रोम इंसर्ट देख सकते हो, रूफ फेल हो जाती है। तो इस तरीके की सारी कुछ एक्सेसरीज हैं इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी जा चुकी हैं। तो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।